बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ खजूरें पकाने का तरीका शेयर करूँगी। हमारे घर में माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खजूर का पौधा लगा हुआ है और इस पर बहुत ही प्यारी खजूरें लगी हैं, बहुत मोटी मोटी माशाल्लाह, काफ़ी ब्राउन हो चुकी हैं और खजूरों में गुठली बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही प्यारी खजूरें हैं। तो पहले इसको पकाने का मुझे आइडिया नहीं था, ये देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खजूरें हैं। अब मुझे किसी ने इसको पकाने का तरीका बताया तो मैंने सोचा क्यों ना अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं। और खजूर उतारने के लिए हम सीढ़ी से ऊपर जाएंगे, तो थोड़ी सी उतार के खजूरें मैं इसका तरीका आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह इनको पकाया जाता है। तो ये तरीका बहुत ही सिंपल और सादा तरीका है और बहुत ही अच्छी, इससे खजूरें पकती हैं, पक जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। अगर आपके घर में भी खजूरों का पौधा है तो उस पर खजूरें लगी हैं तो आप भी इसी तरीके को फॉलो करें और आपकी खजूरें भी बहुत ही मज़े की और अच्छी खजूरें पक के तैयार होंगी। तो माशाल्लाह मैं आज थोड़ी सी खजूरें उतार के आपके को इसका तरीका बताऊंगी, किस तरीके से पकाई जाती हैं वो शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और जो नए मेरी वीडियो को देखने वाले प्लीज़ वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं मेरे प्यारे बहन भाई, मेरे प्यारे व्यूवर्स, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो प्यारे व्यूवर्स, हम खजूरें जो थोड़ी सी खजूरें हमने उतार ली हैं, ये देख रहे हैं माशाल्लाह, मैंने जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा दी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खजूरें लगी हुई हैं। अभी मैंने कुछ बाद में उतार के उनको पकाऊंगी। अब इन खजूरों को हम अच्छी तरह धो लेंगे इस ताकि इसकी अच्छी तरह सफाई हो जाए, साफ़ हो जाए, मिट्टी वगैरह जो धूल वगैरह उतर जाए। अब खजूरें हमने धो ली हैं, अब इसको साफ़ कपड़े से हम साफ़ कर लेंगे, पानी खुश्क कर लेंगे। सारी खजूरों को का हम जो पानी है वो खुश्क कर लेंगे अच्छी तरीके से साफ़ कपड़े से, और साफ़ ये बर्तन लेंगे, टोकरी लेंगे, उसमें डालते जाएंगे। सारी खजूरों को हमने इसी तरह साफ़ करना है कपड़े के साथ ताकि जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल लेंगे, हैंड पे डाल लेंगे थोड़ा सा चंद कतरे, और दोनों हाथों पे मल के सारी खजूरों को अच्छी तरह लगा देंगे। ये देखिए हम अच्छी तरह इन तमाम खजूरों को ऑयल लगा लेंगे। प्यारे व्यूअर, इस तरीके को आपने फॉलो ज़रूर करना है, आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। एक बॉल लेंगे, डब्बा लेंगे हम, उसमें ये खजूरें डाल देंगे और ऊपर से ढक्कन से बंद कर देंगे ताकि इसमें हवा बिल्कुल ना गुजरे और ये जो हीट में पकेंगी इसको हीट में पकाएंगे हम, ऊपर से कवर कर देंगे, बंद कर देंगे अच्छी तरीके से। अब इसको धूप में रख देंगे जहाँ सारा दिन धूप रहे, और इसको तकरीबन 4-5 दिन या एक हफ़्ता भी लग सकता है इसको पकने में, और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की खजूरें तैयार होंगी। जी जनाब, तो हमारी 2-3 दिन हमने धूप लगाई और कुछ बहुत हद तक हमारी खजूरें पक चुकी हैं, और 1-2 धूप और लगवाएंगे ताकि मज़ीद जो रह गई हैं वो भी पक जाएँ। और मैं आपको दिखा देती हूँ जो खजूरें पक चुकी हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी और बहुत ही मज़े की खजूरें तैयार हुई हैं। आप भी इस तरीके को ज़रूर अपनाएं और मेरी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक बहुत ही खजूरें पक चुकी हैं, और कुछ रह गई हैं वो भी 1-2 दिन में मज़ीद पक जाएंगी। तो आपने इसी तरीके से ज़रूर अपना खजूरों को पकाना है, तैयार करना, और आपकी खजूरें ज़रूर बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी खजूरें तैयार होंगी पक के। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक आपको सेहत, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती अता फरमाए, दुनिया भर की खुशियाँ दे, सदा मुस्कराते रहें। अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। देखिए मेरे बच्चे जो हैं बहुत ही मज़े से खजूरें खा रहे हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।